brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. इनको भौंकने की आदत है, ये भौंकने में माहिर है। अगर दम है नायब सैनी में अपने आप को मुख्यमंत्री मानता है, मैं तो कहता हूँ डम्मी है, मुख्यमंत्री है ही नहीं। पिछले 10 साल का खनन का माफिया, अगर खनन घोटाले की जांच हो जाए तो ये मुख्यमंत्री खुद फंस जाए। इसके खिलाफ मेरे पास अनेक शिकायतें आई थी, आज भी कॉपियां पड़ी हैं। अशोक तंवर तो पहले भी यहीं घूमता था, तब तो इसका कोई विरोध नहीं करते थे। मुझे कई शादियों में मिला है, कई फंक्शनों में मिला है, कहीं विरोध नहीं। कल तक भी उनका गठबंधन था, परसों तक भी। अगर गठबंधन ना रहता तो उनके बनाए हुए चेयरमैन पहले हटा दिए जाते, उनके लगाए हुए वकील जो थे सरकारी वो पहले हटा लिए जाते। ऑल ओवर हरियाणा में किस तरह देखते हैं 10 सीटों के? ये जो दोनों पार्टियां हैं इनकी हालत देखने लायक होगी। जो कहते थे हम 10 की 10 जीतने में सक्षम है, वो तो टिकट ही अनाउंस नहीं कर पा रहे बेचारे, उनकी तो हालत बहुत ख़राब है। भाजपा वालों को कोई बता दो किसी गांव में बढ़ने देता है तो, जब वोट मांगने जाते हैं, तुम सरसा के सारे साथी हो यहाँ पे। अशोक तंवर जो है कहीं वोट मांगने गए हैं, विरोध हुआ कि नहीं हुआ? है हुआ ना विरोध? किस बात का विरोध है बताओ? फिर अशोक तंवर का विरोध नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के फैसलों का विरोध है, बीजेपी का विरोध है। अशोक तंवर तो पहले भी यहीं घूमता था, तब तो इसका कोई विरोध नहीं करते थे। मुझे कई शादियों में मिला है, कई फंक्शनों में मिला है, कहीं विरोध नहीं। लेकिन जैसे ही भाजपा का पटका पहना, साथ के साथ विरोध का सामना करना पड़ा। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का पटका पहन लेता तो लोग स्वागत करते, फूल मालाएं पहनाते। बीजेपी और बीजेपी का गठबंधन था, लेकिन अब पिछले कुछ महीनों से एक दूसरे पर लांछन लगा रहे हैं। कुछ महीनों से नहीं, कुछ दिन से। और कल तक भी उनका गठबंधन था, परसों तक भी। अगर गठबंधन ना रहता तो उनके बनाए हुए चेयरमैन पहले हटा दिए जाते, उनके लगाए हुए वकील जो थे सरकारी वो पहले हटा लिए जाते। ये एक अंडरस्टैंडिंग के साथ अलग अलग हुए थे कि लोकसभा के चुनाव तक हमें एक दूसरे का, भाजपा सिर्फ ये चाहती थी कि जो वोट ये थोड़ा बहुत लेंगे उससे भाजपा को फायदा मिलेगा। लेकिन अब लोगों को एन इनका सारी चीज़ों का सामने आ गया, असलियत का पता लग गया कि आज भी ये एक दूसरे के साथ मिले हुए, आज भी एक दूसरे की मदद करें। मुख्यमंत्री घोटालों की जांच की बात करने लगे, 4.5 वर्ष तक मुख्यमंत्री के सामने हमने लगातार धान घोटाला, शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, सरकारी दवाइयों के खरीद का घोटाला, इवन उसके साथ साथ पब्लिक सर्विस कमीशन में पकड़े गए 3 करोड़ रुपए का जो मामला था, वो एसएस बोर्ड के अंदर एग्जाम देते हुए उसके कापियां बदलते हुए लोग पकड़े गए थे, वो एक घोटाला। उसके साथ साथ जॉब लगाने के नाम पे पैसे लिए जा रहे थे, वो पेपर घोटाला। अनेक घोटाले हमने सबूत के साथ विधानसभा में दिए। मुख्यमंत्री, ये जो मनोहर लाल खट्टर जब तुम मुख्यमंत्री था तब क्यों नहीं जांच कराई? आज सैनी कहता है मैं जांच कराऊंगा, तो फिर सैनी अखबार में स्टेटमेंट देने के बजाय पहले सार्वजनिक करे ना शराब घोटाला, सार्वजनिक करे धान घोटाला, सार्वजनिक करे रजिस्ट्री घोटाला। वो दम नहीं है, ये केवल अखबारों तक है। इनको भौंकने की आदत है, ये भौंकने में माहिर है। सिर्फ अखबारों में ये बात कहेंगे, जांच नहीं कराएंगे, जांच कराते तो मारे जाएंगे। खनन घोटाले की जांच कराई पिछले 10 साल के, अगर दम है नायब सैनी में अपने आप को मुख्यमंत्री मानता है, मैं तो कहता हूँ डम्मी है, मुख्यमंत्री है ही नहीं। आज भी खुद ये बयान देता है मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री कहाँ है? पिछले 10 साल का खनन का माफिया, अगर खनन घोटाले की जांच हो जाए तो ये मुख्यमंत्री खुद फंस जाए। इसके खिलाफ मेरे पास अनेक शिकायतें आई थी, आज भी कॉपियां पड़ी हैं। ये कहता है कोई लिखित में दे, मैं कल ही भेज देता हूँ, ले करा देगा जांच, पूछ लो उससे। इसके खुद के खिलाफ पंचायतों ने लिख के दिया कि हमारे गाँव की मिट्टी खोद के खा गया गई। ये जब मंत्री था CPS इसको बनाया हुआ था, तब की बातें हैं। मैंने विधानसभा में इसके खिलाफ जाँच की मांग करी थी।